केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विकास तीर्थ अवलोकन के तहत मुरादाबाद में सोनकपुर रेलवे ओवरब्रिज का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे महासंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को विकास तीर्थ अवलोकन के तहत मुरादाबाद में हाल ही में चालू हुए दिल्ली हाईवे से हरिद्वार हाईवे को जोड़ने वाले सोनकपुर रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री कर्मिक लोक शिकायत और पेंशनी परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनकपुर रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने चौतरफा विकास देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रेलवे क्रॉसिंग व अन्य स्थानों पर मोदी सरकार ने ओवरब्रिज बनाकर लोगों को सुविधा दी है और समय की बचत की है। घंटों की दूरी में मिनटों में पूरी हो जाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्र ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 से अब तक के 9 वर्षों में भारत दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बन गया है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तित्व पहुंच और दूरदृष्टि के कारण संभव हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का मान बढ़ाया। जैसा आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल सम्पन्न हुए हैं, 10वां साल प्रारंभ हुआ है और एक महीना लंबा ये एक अभियान भी है ताकि लोगों को बीच में जाकर के स्वयं भी हमें एहसास हो और लोगों को भी एहसास हो कि मोदी जी ने कितने अद्भुत कार्य किए हैं विकास को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के। जो वर्ग पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए थे उनके उत्थान के लिए और उन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत एक श्रेणी थी विकास तीर्थ, यानी मोदी जी के जो विकास के स्मारक है, जो आधुनिक भारत के स्मारक है, न्यू इंडिया के मॉन्यूमेंट्स जिसे कहा जाता है, वो एक तीर्थ समान है। और ये मुरादाबाद में ये पुल सोनकपुर का, जिसकी बड़े लंबे समय से मांग थी, इसके ना होते हुए बहुत असुविधा रहती थी लोगों को, रेल की आवाजाही के कारण भी, अन्य कारणों से भी। तो इस पुल के निर्माण से जहाँ रेल की आवाजाही भी सुचारू हुई, वहाँ पर वाहनों का चलना और वैसे आना जाना इस तरफ से दूसरी तरफ सरल भी हो गया, समय भी बचा और आधुनिक ढंग से निर्माणित ये पुल अपने में एक इंजीनियरिंग जो हमारे पास नवाचार है इस समय, उसका भी एक नमूना है, उदाहरण है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, MLC डॉक्टर चैपाल सिंह व्यस्त व गोपाल अंजान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, मुरादाबाद लोकसभा संयोजक डॉक्टर विशेष गुप्ता, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक राजेश चुन्नू, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता व राहुल सेठी, भाजपा महानगर महामंत्री नथुराम कश्यप, श्याम बिहारी शर्मा व कमल गुलाटी, पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, रजनीकांत जाटव, राहुल शर्मा, सुनीता शर्मा, संजय शर्मा, अजय वर्मा, हरीश, राजेश रस्तोगी, विपिन प्रजापति, अमित सिंह मिंटू, संजीव चौहान, मंगल सेन राजपूत, आलोक सैनी, हेमराज सैनी, राजेश गुप्ता, किशन लाल सिंह, अरुण पंडित, बबलू सैनी, विशाल रस्तोगी, वीरपाल सिंह, किशन लाल सैनी, अमित शर्मा, योगेश गुप्ता, अमित सिंह, सुरेंद्र विश्नोई, विजय वर्मा, दिनेश कोला, प्रमोद शर्मा, हुकुम सिंह सैनी, चंद्रभान सिंह, हरिओम सैनी, नीरज गुप्ता, नरेश खटीक, नरसिंह गंगवार राजपूत, अशोक यादव, रविराज सिंह, नरसिंह गंगवार, अशोक यादव, रविराज सिंह, सुरजीत सैनी, कपिल राजपूत, मनीष गुर्जर, गजेंद्र सिंह लोधी, ध्यान सिंह सैनी, विजयपाल सैनी, पूनम सैनी, कविता गुप्ता, सरिता चौधरी, विनीता मेहरोत्रा, हेमा खत्री, यूसुफ पुत्तन कुमार, तेजपाल गुप्ता, उमेश चंद, रहीम, ऋतिक कुमार, संदीप कुमार, रविंद्र सिंह, दिलीप दिवाकर, अशोक सैनी, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र दिवाकर, नितेश, मुकेश कुमार, संतोष सिंह, अलाउद्दीन अहमद, संतोष चौधरी, महेश सैनी, पिंटू आदि सैकड़ों की संख्या में महानगर मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे।